लोफर, ये सुबह सुबह कहाँ मटर गश्ती करने जा रहा है? जा रहा हूँ किसी गश्ती की तलाश में। क्या? अब अपने यार दोस्त से मिलने जा रहा हूँ पापा, ऐसे सुबह सुबह टोका मत करो। क्या? ठीक है ठीक है, जा रहा है तो जा, लेकिन चड्डी तो पहन ले। आज फिर तुमने चड्डी नहीं पहनी है, हैं? मैंने पैंट के नीचे चड्डी नहीं पहनी, ये आपको मेरे पैंट के ऊपर से ही दिख गया? तेरा पेंडुलम हिलते हुए ऊपर से भी दिख रहा है। मैं ऐसे ही ठीक हूँ पापा। चड्डी में ना अब मेरी नुन्नी को एक घुटन सी महसूस होती है। चड्डी के बिना सब कुछ हल्का हल्का सा लगता है, अब मानो शेर जंगल में आजाद घूम रहा हो। देखना कहीं शेर बाहर ना निकल जाए और उसका शिकार ना हो जाए। अरे पापा, शेर तो खुद शिकार करने बाहर निकलता है और मेरा शेर तो शिकार करने के लिए बेताब है। बेटा तुम्हें अभी नहीं पता, शेर भी कभी कभी जाल में फंस जाता है। आप बेफिक्र रहो पापा, मेरा शेर खुद जाल बिछाने में माहिर है और जल्द ही इसका शिकार भी फंसने वाला है। हा? मैं जा रहा हूँ। अरे भाई लादू, ऐसे टूटे हुए तांद की तरह कहाँ डाले हो? तेरी भाभी शीला से मिलने जा रहा हूँ, आज तो बस समझो हो गया। शीला ते तो बाद में मिले ना, पहले अपना पोतापी तो बंद करो। अंदर ते तुआ धांकला है। सारा जल्दी जल्दी में चैन लगाना ही भूल गया। ओए माँ, तारा जब तेन में नुन्नी फंसती है तो दिन में ताले नजर आते हैं, क्यों दोस्तों? तई कहा ना तारे नहीं, साला आँख के सामने अंधेरा छा जाता है। खैर आज जल्दी से चल शीला के घर। क्यों, रात में कुछ खा लिया था क्या? तो तुबा तुबा कुछ देख लिया था तो ऐसे तीला के घर जाने को बेताब है? अरे यार क्या बताऊं, जब से बाबा मतंगी नाथ का चूर्ण खाया हूँ तब से रात को नींद ही नहीं आती। मुझे भी वो तुरंत खाना है क्योंकि मुझे नींद बहुत आती है। अरे वह नींद उड़ाने वाला नहीं, रॉकेट उड़ाने वाला चूर्ण है। एक पुड़िया खाते ही तेरा सुल्तान रॉकेट की तरह उड़ने लगेगा। तब तो मुझे भी वो तुरंत आइए, मुझे भी अपना कुतुब मीनार खड़ा करना है। पहले जो खड़ा है उसका जुगाड़ लगाते हैं, तेरा बाद में देखेंगे। चल शीला के घर चल। ठीक है चल मेरे भाई। अब क्या करेगा, तीला को तो किसी ने लूट लिया। अबे भाभी के बारे में ऐसा बोलता है? मैं कहाँ बोल रहा हूँ भाई, वो तो तीला खुद बोल रही है कि पल देती मुझे लूट गया। साला ये परदेसी कौन है, लगता है पता लगाना पड़ेगा। साला मेरी गोटी लटकी ही रह गई और कोई दूसरा अपनी गोटी से गया। भाई तुम मुझे कंधे पर उठाओ, मैं ढांक कर देखता हूँ साला अंदर में पल देती है कौन। तो मेरे भाई के माल पर हाथ ताक कर गया। नहीं नहीं तुम तो मुझे अपने कंधे पर उठाओ, मैं खुद देखूंगा। लेकिन अगर किसी ने हमें देखते हुए देख लिया तो ताओगा? कुछ नहीं होगा, वैसे भी दूर दूर तक कोई नहीं है। तुम जल्दी से अपने कंधे पर मुझे उठाओ। भाई कुछ दिखा क्या, कौन है अंदर? भाई अब तो कुछ बोलता क्यों नहीं है? अरे यार जन्नत है जन्नत, आज तो साला गजब चीज देख लिया। क्या क्या दिख रहा है अब मुझे भी तो कुछ बताओ। अरे क्या क्या नहीं दिख रहा है ये पूछ, आज तो सच में मजा आ गया। आगे मैया कमर तोड़ दिया रे, ऐसे क्यों गिरा बे? तुमने बहुत देख लिया, अब मुझे देखना है। अंदर तेरी भाभी नहा रही है, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे भी देखना है तो देखना है। नहीं तुम शीला को नहाते नहीं देख सकते, देख ला दू, मुझे भी देखने दे, वरना 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 क्या क्या कर लेगा तू? मैं तब को तोल करके बता दूंगा कि लादू तीला को नहाते हुए देख रहा था। क्या तू ये बात सबको बताएगा?
टीला लादू तुमको नहाते हुए देख रहा था। क्या? हाँ? कुछ भी बकता है। ये कहना चाह रहा था कि मैं तुमसे मिलने आया हूँ। नहीं टीला, जब तुम नहा रही थी तब लादू तुमको खिलकी से झांक कर देख रहा था। देख शीला, मुझे तो नंबर वन बनना है। तुम्हारा हीरो नंबर वन बनूं या फिर लोफर नंबर वन? तुम लोफर हो और लोफर ही रहोगे। भला कोई लड़की को नहाते नहीं देखता है क्या? देखता नहीं तो फिर मुझे ये राज कैसे पता चलता मेरी जान? कौन सा राज? क्या देख लिया तुमने? यही कि तुम्हारे भी बड़े बड़े हैं। ऊपर से तो उतना बड़ा नहीं लगता है, लेकिन जब आज खिड़की से देखा तो पता चला कि तुम्हारे तो बहुत बड़े हैं। क्या कहला भाई टीला के? और भले भले, लेकिन ऊपर से तो ये अंदर की बात है, अंदर की तुम्हें समझ में नहीं आएगी। मुझे क्यों नहीं देखने दिया? तुम्हारे कारण मैं भी नहीं देख पाया। ये क्या तुम दोनों बार-बार देखने की बात करते हो? ये ऐसे सरे आम बताने की चीज थोड़ी है। सब अपना अपना हाथ साफ करने के चक्कर में लग जाएंगे। सबको तो नहीं पता, आज मैं अपना हाथ जरूर साफ करके रहूंगी। हाँ टीला, हाथ के तात, आज अपना पैर भी ताप कर लेना। तू दोस्त है या दुश्मन? क्यों शीला को भड़का रहा है? अगली बार तुझे भी देखने दूंगा। आज वो ऐसे ही गुस्से में है। अच्छा, अगली बार भी देखने आएगा और सबको दिखाएगा? हाँ शीला, जरूर दिखाऊंगा, क्योंकि तुम्हारे बड़े बड़े हैं।